Hey guys, welcome back to my channel. You're watching MN Vlog. आज के मेरे vlog के starting में direct अफ्तार से और मैं आपको बताती हूँ. 1 hour later. मैं आपसे मिल रही हूँ अफ्तार के बाद और ये हमारी पैकिंग हो चुकी है ईद के जाने के लिए, क्योंकि हम लोग ईद पे आपको बताइए हम लोग यहाँ तो होते नहीं, हम लोग जाते हैं अपने घर ईद करने के लिए. और ये हमारे दो बैग्स हैं और माशाल्लाह से सब चीज़ें हमारी पूरी हैं. नेक्स्ट वीक ईद है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैंने बहुत सी इस बार यूनिक चीज़ें ली हैं जो कि मैंने कभी भी ईद पर ऐसे नहीं ली, तो मैं आपको दिखाऊंगी ईद पर. और जब दिखाऊंगी तब मैं आपसे सुनूंगी. अभी आसानी हो रही हैं तो ब्रेक लेते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी बातें. तो मैंने अभी अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग इसलिए किया क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं कितने दिन का ये ब्लॉग बनाऊंगी, मतलब कि कितने डेज़ बाद मैं आपको दिखाती रहूंगी ये एक ही ब्लॉग. लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह इस ईद पर बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे. हमारे जाने का चांद रात का एक प्रॉपर ब्लॉग होगा, क्योंकि लास्ट ईद पर तो आप लोगों को पता ही है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसमें मैंने सिर्फ दो दो मिनट के ब्लॉग्स बनाए थे, तो वो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे. कुछ इसमें एंटरटेनमेंट नहीं था, बस सिंपल घर में रहना. लेकिन इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे व्लॉग्स हैं और आप लोगों को भी खुशी हो. खैर वो तो इंशाल्लाह हम करेंगे ही व्लॉग्स, लेकिन रमज़ान ख़त्म होने का भी बहुत दुख है कि मतलब रमज़ान इतनी जल्दी चला गया. मुझे तो खैर ज़्यादा पता नहीं चला क्योंकि इस रमज़ान मैंने भी रोज़ा रखा था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा ये रमज़ान स्पेशली. और रमज़ान का महीना तो हम सबके लिए बहुत खास होता है, तो आई विल मिस रमज़ान वेरी मच एंड यू गाइज ऑल्सो मिस रमज़ान वेरी मच आई नो. तो मेरे जो है वो हुलिये को आप ज़्यादा नोट मत करना बिकॉज मुझे अभी नहाने जाना है, इसलिए मैं अभी ऐसी लग रही हूँ. तो मैं आपसे अब मिलूँगी अच्छी सी बनकर इनके तैयार होकर नहाने. जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि इस बार मैं ईद पे बहुत कुछ यूनिक करने वाली हूँ, तो कल मैं गई थी चूड़ियाँ लेने के लिए ईद के लिए और मैं सोचा आपको क्लिप दिखा दूँ. वहाँ पे थी एक कैट, मैं सोचा मैं उसकी वीडियो बनाती हूँ. A few moments later. So guys, अब मैं आपको मिलेंगे यहाँ थोड़ा तैयार होने के बाद. मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ. अभी हम लोग आए हैं बाहर से और मैं आपको नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी. तो अब मैं आपसे शायद कल मिलूंगी बिकॉज अभी फिर रात हो गई है, क्योंकि अभी कुछ है नहीं आपको दिखाने के लिए. Hey guys, तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं अभी हो रहा है सहरी का टाइम और अभी हम लोग निकलने वाले हैं भावलपुर जाने के लिए. और हम लोग अब ईद करने के लिए जा रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि कोई पता नहीं कि अभी हमने न्यूज़ देखी थी कुछ देर पहले तो आया था कि फ्राइडे को ईद के चांसेस बढ़ गए, यानी कि हो सकता है कि थर्सडे को चांस नज़र आ जाए. और वैसे हमारा प्लान भी थर्सडे का ही था कि हम लोग थर्सडे को निकल जाएंगे टाइम टाइम. तो अभी हम लोगों ने पहले सोचा था कि हम दिन में जाएंगे यानी कि 9-10 बजे सुबह, लेकिन फिर हम लोगों का प्लान अभी का बन गया है. तो अभी हम लोग सहरी करेंगे और सफ़र में तो रोज़ा हम लोग नहीं रखेंगे ऑब्वियसली, तो इसलिए कि कुछ खा के जाएंगे क्योंकि सब चीज़ें बंद होती हैं. तो अभी अगर हम लोग कुछ खाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी. मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगी, अगर कुछ खाऊंगी तो मैं आपको दिखाती रहूँगी. आप लोग प्लीज़ माइंड ना करना बिकॉज मैं सफ़र में हूँ, इसलिए मैं रोज़ा नहीं रख रही. तो अब मैं आपको दिखाऊंगी जो हम लोग जाने लगेंगे. और गाड़ी में हमने सामान पहले ही रख दिया था ताकि यू नो ना काफ़ी प्रॉब्लम होती है बाद में, यानी कि कैसे फिर लेके जाएँ फिर ऐसे, मतलब आप लोगों को पता है ना. तो अब मैं आपसे मिलूँगी फ्रेश होने के बाद. वैसे मैं फ्रेश ही हूँ, सो ही नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी. तो अब मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में. जब हम लोग निकल चुके हैं और आप लोग भी प्रे करना कि हम लोग खैरियत से पहुंच जाए. और मैं बीच बीच में आपको दिखाती रहूँगी लेकिन वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह मेरे कुछ बोलने का दिल नहीं करता स्पेशली. तो जब मैं पहुंचूंगी तो ऑब्वियसली वॉइस ओवर करूँगी. तो ये मेरे बैग्स हैं मैंने लगाए हुए हैं, तो बस अब चलते हैं. मैं आपसे रास्ते में मिलूँगी. अब रोशनी हो गई है यानी कि दिन हो चुका है और अब हम लोग रुक रहे हैं कुछ खाने के लिए. मैं भी आपको दिखा दूँ. अभी हमें यहाँ पर टाइम लैप्स लगाया हुआ है और आप लोग देख ही रहे हो हम लोग बस पहुँचने वाले हैं. तो मैं आपसे मिलूंगी बाद में. The next day. Hey guys, सब मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे. और कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी यानी क्या सो गई थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला और व्लॉग करने का मैं भूल भी गई थी. तो अब नेक्स्ट डे है और आज है चांद रात. कल तो चांद नहीं नजर आया था ईद का. तो अब हम लोग जा रहे हैं कहीं पर, मैं आपको बताती हूँ. तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं रोज़ा इफ्तार का, बिकॉज पहले भी हम लोग पहले बहुत पहले आ चुके थे. कि मैं आपको फुटेज मतलब अब बना रही हूँ
तो वॉइस ओवर भी अभी कर रही हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इफ्तार की क्या क्या तैयारी हो रही है, हमारे इफ्तार में क्या क्या है। आज हमारा रोज़ा इफ्तार था यहाँ पर, तो यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं पकोड़े। ये हमारी इफ्तारी और लास्ट इफ्तारी हो चुकी है इस रमजान की। आज शाम को हम लोग जाने वाले हैं KFC, मैं आपको बताना भूल गई। और अभी हम लोग थोड़ी देर में जाने वाले हैं, अभी तो इफ्तारी की है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं KFC खाना खाने के लिए, और वहाँ पे मुझे भी ऑर्डर करके मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पीछे गाने चल रहे थे इसलिए वॉइस ओवर करते हैं। मैं आपको गाना सुनाती हूँ कि कौन सा गाना सुन रहे थे। हिट लाइक करना अगर आपको भी गाना पसंद है और आप लोगों ने भी सुना हुआ है। KFC पहुंच चुके हैं एंड आई एम सरप्राइज कि आज चांद रात है और बिल्कुल खाली है, मतलब सिर्फ दो फैमिलीज आप देखो बैठी, एक हमारी फैमिली है। मैं वेट कर रहे थे कब आएगा हमारा खाना, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी बिकॉज मैंने इफ्तार में ज़्यादा चीज़ें नहीं खाई थी। तो ये है हमारा खाना, और हम लोग जल्दी से खाते हैं। कुछ आपको दिखाने के लिए चांद रात में हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने व्लॉग एंड कर दूँ।